Hello guys, I am Shahzad Ahmad from Shakzi.com and welcome in lecture number 43। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हमने कैसे जो है वो चीज़ों को मैनेज किया था और कैसे जो है वो हमने अपनी चीज़ों को फिक्स किया था। हमने प्रोडक्ट को जो है वो फ्रंट बनाया, बैक पे हमने चीज़ें वसूल की और चेक करवाया कि डेटाबेस में वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर नहीं करती एग्जिस्ट तो एक प्रोडक्ट ऐड करवा दिया, अगर एग्जिस्ट करती है तो वापस इसी पेज पे जो है रीडायरेक्ट करवाया हमने। ठीक है, तो जैसा कि कैटेगरी में आपने देखा कि ऑल कैटेगरीज के सेक्शन में आप यहाँ पे जो है वो शो करवाते हैं क्या, जो भी प्रोडक्ट हैं आपके यहाँ पे डिलीट करवाते हैं, एडिट करवाते हैं या व्यू करवाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट फिलहाल के लिए ये ऑल कैटेगरीज का सेक्शन है और यहाँ पे पेजिनेशंस वगैरह भी जो है आई थिंक हमने किया था लास्ट में। मुझे याद है या नहीं याद मुझे याद नहीं, और आपको पता नहीं याद है या नहीं याद। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे प्रोडक्ट का सेक्शन बनाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा कॉस्टली जाएंगे। सबसे पहली बात, ऑल कैटेगरीज का ये फंक्शन है, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी क्या मिलती है आपकी, एडिट अपडेट डिलीट जो है वो कैटेगरी के अंदर भी है, इसके अंदर भी है, जस्ट कॉलम के नेम चेंज होंगे वो हम बिल्कुल करेंगे। तो हम जंप करते हैं डायरेक्ट इस कैटेगरी के पास, पूरे का पूरा फंक्शन हम कॉपी करते हैं और नीचे आते हैं, यहाँ पे हम पूरे का पूरा फंक्शन जो है वो पेस्ट करते हैं। ऑल कैटेगरी है तो इसको हम ऑल प्रोडक्ट्स कर देते हैं। ठीक है, ये पेजिनेशंस के लिए यूआरएल, ठीक है, ये पेजिनेशंस की कॉन्फ़िगरेशन सारी की सारी। ठीक है, और सबसे अहम बात यह है कि ऑल कैटेगरीज के नाम से हम फैश करवा रहे थे यहाँ पे, ये ऑल कैटेगरीज। ठीक है, ये ऑल कैटेगरीज, और अब हम ये नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद ये कैटेगरीज का फंक्शन है तो इसे हम प्रोडक्ट बना देते हैं। हम कहते हैं गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये गेट ऑल प्रोडक्ट्स, मेक श्योर ये प्रोडक्ट्स, और ये कैट स्टेटस नहीं है तो इसका कॉलम का नेम होगा प्रोडक्ट स्टेटस। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट स्टेटस 1 हो। यहाँ से कैटेगरी नहीं, ये प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो ये नंबर्स रिटर्न हुए यहाँ पे, ये उसके बाद में पेज कितने हैं और ये यूआरएल थर्ड यूज़ कर रहे हैं हम। कोडिंग नेटवर्क की लाइब्रेरी यूज़ हो रही है, इनिशियलाइज हो रही है हमारे पास जो हमने यूज़ किए हैं सेक्शंस। और हम यहाँ पे आने के बाद ऑल कैटेगरीज, ये जो हम व्यू के अंदर रिसीव करेंगे डेटा, ऑल प्रोडक्ट्स कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं, ये तो सेव हो रही है वैल्यू, ये मॉडल कॉल हो रहा है, ये ऑल कैटेगरीज के नाम से फंक्शन है, ये ऑल कैटेगरीज के नाम से फंक्शन है। गेट ऑल प्रोडक्ट ये हमने ऑलरेडी बना लिया है, इसे हम कह लेते हैं फैच ऑल प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट्स, ये फैच ऑल प्रोडक्ट्स, एक पैरामीटर पास होगा पर पेज का, ये पर पेज हमें 20 चाहिए। दूसरी बात ये है कि पेज कितने चाहिए, और ये पेज देखें आप 3 पेज चाहिए। ठीक है, सेगमेंट थर्ड उठाना है हमने, सेगमेंट थर्ड उठाना है तो ये थर्ड सेगमेंट आ गया, वरना वो 0 इंसर्ट करेगा आपका। इसका यही मतलब है पर पेज का, फर्स्ट में चेक कर रहा है वो, उठाएगा, नहीं एग्जिस्ट करता तो ये 0 उठा लेगा आपका। ठीक है, पर पेज, जाहिर सी बात है अगर आपने पेजिनेशन बनाई है तो आपको पता है कि ऑफसेट का जो है वो चक्कर होता है। तो यहाँ से कॉपी की वैल्यू, पेस्ट की वैल्यू, यहाँ पे लिमिट इतनी है और स्टार्ट यहाँ से करना है। तो ये पर पेज सेकेंड पैरामीटर में कितने पेज चाहिए हमें, तो ये लिमिट पर पेज। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है। और ऑर्डर बाय ये कैट आईडी नहीं है, ऑर्डर बाय हम करेंगे पीआईडी प्रोडक्ट आईडी डिसेंडिंग। उसके बाद में मैं कह रहा हूँ सिलेक्ट स्टेरिक कहाँ से, प्रोडक्ट से, वेयर कैट स्टेटस इक्वल्स टू 1 के। ये तो हो गया प्रोडक्ट का पूरा सेक्शन। ऑल कैटेगरीज के नाम से हमारे पास जो व्यू है हम उसको कहेंगे ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऑल प्रोडक्ट्स के नाम से हम एक व्यू बनाने जा रहे हैं एडमिन के कंटेंट के अंदर। तो ये एडमिन का कंटेंट व्यू बना .php, पूरे का पूरा कोड कॉपी किया, पूरे का पूरा कोड जो है वो पेस्ट किया। और यहाँ पे आने के बाद जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखें ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ से रिसीव हुआ, तो ये ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पे आएंगे, प्रोडक्ट्स ये चेंज हुआ, ठीक है। उसके बाद में ये कैटेगरी है तो इसको 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 जो है वो प्रोडक्ट कर दें, प्रोडक्ट सारी की सारी चेंज कर दें। वैल्यूज और वापस जाएं, पी आई डी है तो ये पी आई डी कैटेगरी है, कैटेगरी। एक और हमने सेक्शन बनाया था कंपनी का, तो ये कंपनी नेम, तो ये कंपनी का नेम इंसर्ट कब हुआ, ये डेट, ठीक है। वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, बैड बॉय कोई एरर नहीं आना चाहिए। और गेट ऑल कैटेगरीज, ये लेफ्ट के अंदर गेट ऑल कैटेगरीज को हम हटाते हैं और हम इसे कहते हैं प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स, वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब हम क्लिक करते हैं अननोन कॉलम कैट स्टेटस, बिकॉज जाहिर सी बात है जैसा कि मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जो है जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो कॉलम्स की नेम और क्लासेस वगैरह सेम होनी चाहिए। तो ये कैट स्टेटस नहीं है, ये प्रोडक्ट स्टेटस है, ये प्रोडक्ट स्टेटस, ठीक है, ये प्रोडक्ट स्टेटस। वापस जाते हैं, अब हम रिफ्रेश करते हैं तो आई थिंक जो है वो चलना चाहिए इसको, ठीक है। ये कैटेगरी ऑल प्रोडक्ट, ओके। हमने जो भी चेंजेस की ये सारी की सारी जो है वो कैटेगरी के व्यूज पे कर दी। मैं ऐसा करता हूँ, इसे मैं स्टोर करवाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैं सारे का सारा कोड करता हूँ कॉपी, ये मैं कैटेगरी में डाल देता हूँ, और ये अब मैं वापस जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो बिल्कुल प्रॉपर चीज़ें चल रही होंगी। नॉट फाउंड, हाँ, ये सारे का सारा प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा, और ये कैटेगरीज यहाँ पे आएंगी। वापस जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो चीज़ें चलनी चाहिए यार, ओके। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का आपने ये भी तो चेंज करना है भाई, तो चीज़ें आपकी जो है अब चल रही होंगी प्रॉपर। हो क्या रहा है हमारे पास, मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, तो ये ऑल प्रोडक्ट्स, और हमने एसईओ के लिए यहाँ पे कुछ नहीं किया, तो ये डेटा all products. Title, all products, किसका है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ SK, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, सेमीकोलन मिसिंग था, पास भी तो करेंगे हम अपनी वैल्यू यहाँ पे, बिकॉज ये वाली वैल्यू तो हम पास कर रहे हैं ऑल प्रोडक्ट्स पे। हेडर पे भी आपने पास करनी है, ये SU आया आपका, मीन्स जो है वो टाइटल आई है आपकी, तो ये ऑल प्रोडक्ट्स दोनों मैच हो रहे हैं। उसके बाद में ये जो है वो नेम, डेट, तो इसको हम थोड़ा सा फिक्स करेंगे बिकॉज आपको मॉडिफिकेशन तो करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, और मैं यहाँ क्या कहता हूँ, कंपनी, प्रोडक्ट नेम, कंपनी, और ये डेट, कि ये डेट जो है वो कब जो है वो इंसर्ट हुआ। मैं वापस जाता हूँ, थोड़ा सा मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ वो क्या रहा है। सबसे पहली बात, हमने कॉपी पेस्ट किया था ये सेक्शन जो कैटेगरी से मिलता जुलता था। पहली बात ये है कि हमने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया, क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट के अंदर आता है एक फंक्शन। जैसे ही इस फंक्शन के अंदर आता है तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन है जो पेजिनेशंस की हैं। अगर मैं कहता हूँ फॉर सपोज यहाँ पे दो वैल्यूज़, मैं दूसरी जो है वो कैटेगरीज इंसर्ट करता हूँ, दूसरा प्रोडक्ट मैं अगर इंसर्ट करता हूँ, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मोबाइल, मैं कहता हूं कि ये कौन सी सीरीज है विंडोज की, मैं कहता हूं आईफोन। एक प्रोडक्ट ले लेते हैं यहाँ पे, आईफोन, एक इमेज, ये इमेज ले लेते हैं। कंपनी क्या है, मैक, व्हाटएवर, जो भी कंपनी आप लिखना चाहें। ये आईफोन, बैड बॉय कहाँ गया आईफोन, ओके आईफोन, क्लिक किया, ऐड प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट आपके आ गए। तो यहाँ पे इस सेक्शन में मैं कहता हूँ कि मुझे पर पेज एक ही चाहिए, तो मैं वापस जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पेजिनेशन आपकी आ चुकी है। क्लिक करता हूँ तो ये दूसरे पेज पे दूसरी एंट्री दिखा रहा होगा मुझे। आईफोन पे पहली एंट्री, दूसरी एंट्री यहाँ पे दिखा रहा है आपको। तो ये पेजिनेशंस के लिए है, ठीक है, पेजिनेशंस के लिए। ये पूरी की पूरी जो है वो ये कॉन्फ़िगरेशन है, और जो ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ये पेजिनेशंस के लिए हैं, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन। साइट URL, हर पेज पे ये देखें लिंक आ रहा होगा आपका, तो ये उसके लिए होता है, ठीक है। सारे के सारे प्रोडक्ट हम गेट कर रहे हैं इस फंक्शन के ज़रिए। मॉडल, ये फंक्शन पूरी के पूरे प्रोडक्ट आए आपके, उसके बाद में उनकी नंबरोज हम बता रहे हैं कि ये नंबरोज पेजिनेशन ऐसे ही बनती है। पर पेज इतने चाहिए, URI कौन सी उठानी, हमने थर्ड वाली उठानी है URI, बिकॉज जब पेजिनेशन चल रही होती है वो इस पे चल रही होती है। अगर मैं जो है वो सेकंड करूँगा तो यहाँ पे थर्ड पैरामीटर में वो 1 उठा के लेके आएगा, ठीक है। ये देखें तो URI थर्ड उठानी है, उसके बाद में लाइब्रेरी लोड कर रहे हैं, इनिशलाइज कर रहे हैं उसे, मींस ये कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं कि हम भाई ये कॉन्फ़िगरेशन है ऐड कर दें। देन हम पेज कितने हों, बिकॉज हम सेकंड पैरामीटर में दो वैल्यू पास करेंगे पर पेज, उसके बाद में पेज को हम काउंट करने के लिए थर्ड पैरामीटर एग्जिस्ट करता है तो उठा लो, वरना 0 उठाओ। तो यहाँ तक बात समझ में आई आपको, ये वैल्यू जो है वो फैच करवाने के लिए, ये वैल्यू फैच करवाने के लिए, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू क्यूरी चली, वैल्यू आई, नंबरोज ग्रेटर देन है जीरो के, तब क्या होगा कि एक रो फैच होगी, उसके बाद में उस रो को हम स्टोर करवाएंगे एक एरे के अंदर, ठीक है, एंड देन वो एरे हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। जब तक रो चलती रहेंगी तब तक यहाँ पे आती रहेंगी, अगर कोई भी रो नहीं आई तो रिटर्न फॉल्स होगा हमेशा। तो यहाँ पे हम आए, वैल्यू आपकी यहाँ आई, ये लिंक्स बन रहे हैं पेजिनेशंस के, उसके बाद में ये टाइटल बन रहा है, ये आपने पता होगा आपको कि हमने क्यों ब्रेक किया हुआ है। ऑल प्रोडक्ट्स का एक जो है वो व्यू है, ये ऑल प्रोडक्ट्स, कोई बड़ी बात नहीं, HTML है सारे का सारा। चेक फ्लैश डेटा, ये तो जस्ट जो है फ्लैश डेटा को चेक करने के लिए। ऑल प्रोडक्ट्स, ये यहाँ पे आपको पता है कि अगर तो मॉडल में, मॉडल या तो डेटा आएगा या फॉल्स आएगा, तो ये इफ के अंदर डेटा आएगा तो ये प्रोसीड करेगा, अगर यहाँ पे फॉल्स मिल गया उसको तो वो यहाँ पे आने के बाद नॉट फाउंड का एरर दे देगा, ठीक है। आईडी, पासवर्ड, ये अपने TH बनाया, ये ऑल प्रोडक्ट्स जो भी आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे आप एरे के अंदर स्टोर करवा रहे हैं एक पर्टिकुलर रो को, ये एरे के अंदर, और जाहिर सी बात है वो रो एज अ ऑब्जेक्ट आप ले रहे हैं, ये एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आए जीरो इंडेक्स पे, ठीक है, फॉर ईच का लूप है, ऑब्जेक्ट 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 जो भी है आपका, व्यू, एडिट एंड दिस इज डिलीट। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। तो ये मैं बताने का मकसद यही था कि अब जो है बताने का कुछ नहीं रहा कि भाई कॉपी पेस्ट कैसे होता है, और सिमिलर जो है वो कोड अगर आप जो है करने जा रहे हैं तो उस जैसा अगर कोई कोड आपके पास ऑलरेडी रखा हुआ है तो आप वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या एक फंक्शन बना सकते हैं कोई भी, उसको बार बार कॉल कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लॉजिक कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही जो है वो बेसिक कह लें कि मैं आपको देखते हुए बना रहा हूँ, वो अदरवाइज जो है मेरे काम करने का अंदाज कुछ और होता है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।